जय धवलेश्वर महादेव की जय। ओम नमः शिवाय, महारुद्राय, महाकाल रुद्राय, काल भैरवाय, कामेश्वराय नमः। पुराण रे वर्णित अछि अमावास्या, संक्रांति आ पूर्णिमा दिन नानादि फल पुष्प दान धर्म एही सब कले महादेव खुशी हुवंतु। महानदी जल रे स्नान तर्पण ब्राह्मण भोजन कराई इत्यादि मानसिक संपूर्ण करिबा पई श्री धवलेश्वर पीठ को यात्री माने आसी थांती। प्रति सोमवार को सोमवार यही मंदिर रे पूजा अर्चना कले मंगल कामना हेथाय एहा विश्वास। ओम दुरित दलन दक्ष दक्ष जा दत्त दोषो कलित कल कलंकम कम्र कल्हाळकंतम परिहित करणाय प्राण प्रच्छेद प्रीतम नत नयन निजुक्तं नीलकंठं नमामि। प्रथम किंवदंती बाबांकर कला बलद को धला कर धवलेश्वर नाम बहिकर प्रचार बहु रकमर ता पूर्व को गले ये अनंत वासुदेव पीठर परिचय बहुत दूरे रही शैवपीठ ना अनंत वासुदेव पीठ बोलिए प्रचारित होता कालक्रमे ये भग्न स्तूप होवा भितर धवलेश्वर आविर्भाव हो धवलेश्वर आविर्भाव अनंत वासुदेव लुप्त आदि भितर गोटे सामंजस्य रहीगला। हरिहर एकात्मा बोली समस्ते जानते हरिंर मंदिर लुप्त होर प्रवेश होती सन्धि मुहूर्त किरात राजा धवलेश्वर दृष्टिगोचर कर आम समस्त को आज प्रकृत लाभ कराई सी दिन कथा मन पड़े आम सब देखने जाणिने किंवदंती जहाँ जना हूँ 1804 ख्रीष्टाब्दर धवलेश्वर आविर्भाव 488 वर्ष ते लुप्त जंगल भितर किसी न था। जड़े पापाचारी शबर यही जंगल भितर शिकार करने निम्ते प्रत्येक दिन आसी था। मृग को शिकार करू करू हटा देखिले गोटे शिवलिंग अच्छी मन भितर जागृति भाव आसला से शिवलिंग को दर्शन करने गले से चिंता कले जे मु एठी प्रत्येक दिन शिव पूजा करी से ही शबर महानदी में स्नान कर गंडूस जलधरी बाम हस्तरे बेलपत्र और दक्षिण हस्तरे मृगमांस धरी शिवलिंग पाखकु पूजार्चना करने आसला प्रतिदिन से पूजार्चना करे किंतु से ही शिवलिंगर महाप्रभुंकर जने परम भक्त से होचंती नंदी से आसी जेतेबेले देखिले मु काली पूजा करी जाइथिली आज देखिला बेलकु मृगमांस बेलपत्र ए सब आसला कोठी मन भितरे विभिन्न प्रश्नवाची हला सेठु से महानदी जल नहीं आसी से सब कुछ सफा करी पुणी पूजा अर्चना करी घर को फेरिले फेरिबा बाटरे पुरोहितंक सहित देखा हला आ पुरोहितंक से सब विषय कहिले सेठु पुरोहित कहिले ए पापकर्म करिछि किए ता विषय आम अनुसंधान करिबा। ता परदिनर घटना मंदिर को नंदी आ पुरोहित परिष्कार परिच्छन्न करथुबा अवसर रे दूररु देखिले से पापाचेरी शबर सेठाकु आसुछि से पापाचेरी शबर को देखी से माने जे जंगल रे लुचि गले शबर आसी देखिले जे मृगमांस बेलपत्र इत्यादि नाही कि सेठु बाहर कर देछि से क्षुब्ध हो पड़िले पुणी सेठी पूजा अर्चना कले गंडूसरे जल नहीं बाम हस्तरे बेलपत्र दक्षिण हस्तरे मृगमांस नहीं पुणी पूजा अर्चना कले पूजा करी सारी जीवापर नंदी आ पुरोहित मंदिर को आसी से मृगमांस बेलपत्र इत्यादि को परिष्कार करी चिंता कले जे शिवलिंग को नंदी घर को नहीं जीवा पुणी सेठु शिवलिंग उपाड़ी नंदी घरे नहीं अवस्थापन कले से चिंता करी पारिले नी जे महाप्रभु आज मो घरे विराजमान केते बड़ सौभाग्य मोर कि आनंद यह चिंता करू करू ता पर दिन आसला ता पर दिन ठीक शबर पूजा करने समय स्नान करी महानदी गंडूस जल नहीं बाम हस्तरे बेलपत्र
दक्षिण हस्तरे मृगमांस नहीं जेतेले पहुँचिला शिवलिंग पाखरे सेठी महाप्रभु नाहांती से आश्चर्य हो गले कौन करिबी मन भितर विभिन्न चिंता हे भगवान तुम्हें गल कौटी हे प्रभु तुम्हें अच कौटी ये चिंता करू करू से भाभी पारे निजको निजको से विश्वास कर पारे जे मो प्रभु मोठू के दूर को पड़े हे भगवान कि भूल कर तुम से तो सब धवलेश्वर महाप्रभु लीला कौन हो पारे से शबर जो जगार शिवलिंग को खोली नहीं जाइए से जगह ठिया है निजर पेट चीरी अंत बुजुला को से भितर ढाड़ीदे एक लय रे एक मन रे एक प्राण रे शिवलिंग को ध्यान करी सेठी से पूजार्चना कले प्रभु जेते समय पर्यंत तमे प्रसन्न हेन तमे प्रकट हेन सेते समय पर्यंत मु अटल रे पूजार्चना करी शेषे मो जीवन को ये पुष्पाजलि देदेवी से सबुबले भक्तर मंगल कामना चाहती भक्तर मनर कथा बुझीपारती से आसी द्वार निकटरे ठिया हेगले से सदाशिव से ही समय गगन पवन अरण्य प्रकंपित है डम्बरू नाब्द घड़ 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 है घड़ घड़ शब्द जितेबले नंदीक कान में श्रवण है सेतेबले से विश्वास कर पारे हे महाप्रभु तुम्हें आकाशु आसिल ना मर्त्यु आसिल ना पाताल आसिल हे प्रभु केत बड़ सौभाग्य मोर से दौड़ी आसिले मंदिर पाखक आ मंदिर देखिले महादेव सदाशिव सेठी विराजमान होती से चिंता कर पारे प्रभु को आज मु दर्शन करुच्ची ये बास्तव ये प्रकृत कथा ना प्रभु को मु दर्शन कर पारि न था केवल यही शबर मुझे दर्शन करुच्ची हे शबर मुझे तुम परम भक्त आते टे प्रभु को दर्शन कर दि से शबर नंदी को नहीं सदाशिव पाखक गले से सदाशिव आशीर्वाद कले जे आज तुम नंदी आ महाकाल नाम परिचित हो मोर द्वारदेश रही तुम पूजा पाइब ये आमर पंचदश शताब्दी रे मंदिर तैयारी करा गला आगे ये थिला अनंत वासुदेव पीठ अनंत वासुदेव मंदिर भग्न पर धवलेश्वर उद्भव है उद्भव है प्रभुंर आविर्भाव है अल्प अल्प भक्त किसी आसिले तापरे ठाकुरंकर दयारे प्रभुंक नाटा किपरी नामित हेब जणे भक्त कौन कला ना तार सदा बेलेरे माई बाछुरी तार गुहाळरे जन्म हेले से सबू चिंता कला जे प्रभु को मानसिक कला जे प्रभु यही तरीक जदि अंडीरा बाछुरीटे हम मु तुम पाखे षंड छाड़ीदेवी तापर प्रभु दयारे तार अंडीरा बाछुरीटे है से बाछुरीटी षंड छाड़ीदेला षंड छाड़ीदेला साधारणत प्रभु को जो गुराक समर्पण कर जाए सेगुरा से जिनस गुड़िक बहुत सुंदर एवं सुडल देखा जाए कालक्रमे अंडीरा बाछुरी बड़ हेला परे से लोकटी भाविलाजे आकु मु धरेकिरी बलद करी जमीरे चाष करी से प्रभुंर अमणिया जिनस प्रभु ताकु चौदह वृत्ति करेले ता मनरे नईर संजोग खूब कम थिला गोरु गाई सब बेले चरिबा को आसंती एवं फेरी जाती कालिया काई आसनी बोली से जे मालिक से हलिया को तार पचारला कालिया काई घर को फेरलानी ना कालिया बोधे रही जाइची आउ कालक्रमे देखिला बेलकु से आसिकिरी मंदिर पाखरे रहिची मंदिर पाखरे रहिया भितरे बाटोई भी आसुतिले मो गोटे षंड आसतिला कुआडे गला ना षंड तो जाइची आमे देखिचु फेरिबाटा आउ देखिनौ से चोर कौन करी से षंड टिकि नै मंदिर भितरे पुरै देकी मंदिर द्वार थिला पूर्वकू प्रभुंर चक्र आढ़ुआल द्वार हो गला पश्चिम को पश्चिम हो गला परे से सेठू जमीदार आसी पहुँचला पहुँचला परे ठाकुर सेठ पचारे बाबा कहीं आसिल असमय कौन तुम कम मंदिर ना मुझे गोटे बाछुरी छाड़ी कालक्रमे सी बड़ हेलारु मोर लोभ है लोभ हेलारु मु बलद कर बिल चाष करी भाविली तीन दिन है हजि जाठू कबाटर द्वार उन्मुक्त हो गला कई पुलिया धला सेंड मंदिर भितर ठिया ये तुमर ना ना ये आमर नुहे से प्रभु नाम है धवलेश्वर पद्म पुराण में वर्णित अच्छी श्री महादेव सत्य जुगरे नीलकंठ नाम नामित थिले त्रेतया जुगरे हर नाम नामित हेले आ द्वापर जुगरे शिव नाम नामित हेले आ कली जुगरे बाबा धवलेश्वर नाम नामित हेले ओम बाबा धवलेश्वराय नमः। आ गोटे सबुठ बड़ आश्चर्य घटना है
आठगढ़ प्रत्येक देवादेवी मंदिर रे ब्राह्मण माने ही पूजा करी थांती, केतक शिव मंदिर रे माळी माने पूजा करी थांती, मात्र ए धवळेश्वर मंदिर रे जदुर्वेदी पत्री ब्राह्मण माने पूजा करी थांती। कारण आमे माने विश्वास करू एही पत्री ब्राह्मण माने हेउछंती सबुटारु श्रेष्ठ ब्राह्मण, आ पंडित सभा रे सेमाने ही स्वतंत्र स्थान अधिकार करी थांती। तापर पौराणिक मत भी रहूची इंद्र को ब्रह्महत्या लागिला स्वर्ग रे, स्वर्ग रे तांकर देव सत्य रे दिला तांकु स्वप्नादेश हला जे तुमे चित्रत्वला मर्त्य को आसी चित्रत्वला नदी रे स्नान करी धवळेश्वर को दर्शन कले तुमे ब्रह्महत्या दोषुरु मुक्ति लाभ पाइब। स्वर्गरु इंद्र आसिले मर्त्य रे प्रत्यावरण कले, तापर धवळेश्वर इंद्रदुम्न आमर राजा तापर चित्रत्वला नदी रे स्नान करी धवळेश्वर को पूजा अर्चना करी सारला परे से भी इंद्रलिंग बोली आमर प्रभुंकर ना रही इंद्र भी मध्य स्थापना करिचंती धवळेश्वर को, तापर नाम है धवळेश्वर सारा सृष्टि बा सारा पृथ्वी रे तांकर नाम उच्चारण करुचंती भक्त माने। कहला आज जदि तुम कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी रे ओषा ओषा बड़ो ओषा बोली मोर पालित कर सारा ब्रह्मांड रे तुम्हें दिजना को एक मुक्ति हम आज्ञा कौन सी कौन बड़ो ओषा ना धानरु चाउल चाउल रु चुना चुनारु होइबो मंडा कुलाहारी कुलकर्ता बहु वित्तो बहु प्रजा प्राणेशो बंधकी वृषो नकुलश्चाधिकस्तथा ह्रस्व ग्रीवो महाजानु रलालश्च महौषधि सिद्धान्तकारी सिद्धार्थश्चन्द्रो व्याकरणो भवः सिंहनाद सिंहदंष्ट्र सिंहस्य सिंहवाहनः प्रभावात्मा जगत्काल ककंपीतरुष्टानुगः सारंगो भूतचक्रंग केतुमाली सुबोधकः भूतालयो भूतपति रहो रात्रो मकेमल मसुरित सर्वभूतात्मा निश्चल आकु बिक्री करिवे पंडा जदि पंडा बिक्री करि काकु सारा जगत रे लोकमान को मुहरे पके परिवे समस्त मुक्ति हेबे आ तमे मध्य ए ओषा को मोर प्रचार कले मुक्ति हेबे। दिनकर बड़ो ओषा भोग जो बड़ो ओषा विषय आपन कहली से बड़ो ओषा भोग जणे नेकि जाउची ए नराज गाला पाखरे देखी इलिशी मस आक संभा पाइल बड़ोसा भोग गोटाए बेक इलिशी मस पचर चपिक ना सी उठला बंध ताक साप गोड़ा गज को फोपाड़ ना मछ को फोपाड़ नाम साष्टांग दंडवत है प्रभु दुरीत दलन दक्ष दक्ष जा दत्त दोष कलित कल कलंकम कम्र कल्हाल कांतम परिहित करणाय प्राण प्रच्छेद पीतम नत नयन निजुक्तं नीलकंठं नमामि। एंद गाय जेंद पड़ीगला शंकर भगवान से गाई कला रे भक्त तो लोभ को संभाली न पारिकी तू आज ये काम करूँ कितु मोर जो प्रसाद ओषा ओषा बड़ो ओषार महाप्रसाद पुरेचु ताकि तू भूली गलु हाउ जा ते मुझ क्षमा कर तो परिवार माने उपास रही प्रसाद देकरी तेणु बड़ ओषाटी आपण पूर्व मासकर आरंभ रु कार्तिक मास आरंभ रु आपण गोटे हविषारण पाळिबे जो मासरे कि आपण नख काटिबे नाही दाढ़ी काटिबे नाही अरुआ गोटे वक्त खाइबे ताकु कहते हविषारण से हविषारण करिकिरि मासक जाक रहिले बड़ ओषार पुण्य लाभ करिवे बोली प्रभु प्रमाण करचंती। तेणु ता ना होची हविष कार्तिक कार्तिक हविष बोली आमर प्रमाण रहिछि। तेणु जो बड़ ओषा शिव चतुर्दशी रे हे आसुची शुक्लपक्षर चतुर्दशी रे तार पूर्व दिन गोटे एक बार रही थाए से एक बार दिन आपण कदळी पत्र रे प्रसाद गंडिये निजे करी कहा दृष्टि पड़बनी निजे गंडिये करिवे जो महाप्रसाद कि ओ मुग डाली सारु कदळी रे तयारी होई थाए से ताकु धवळेश्वर नाँ रे कदळी पत्र रे पानी छड़ा हुए ताकु सब परिवार वर्ग समस्ते खाती। महाकंठो महायोगी योग योग करो हरि युग रूपो महारूपो बहनो गहनो नगा न्यायो निर्वापणो पाद पंडितो या चलो पमा बाहुमालो महामाला शिपि बिष्ट सुलोचना
विस्तारो लवण कूप कुसुमंग फलोदयः ऋषभो वृषभो भृंगे मणिबिंब जटाधरः इंदुर्विसर्ग सुमुख शूर सर्वायुध सह निवेदन सुधा जात। कार्तिक मास शुक्ल चतुर्दशी सोमवार बड़ई बड़ ओषा बरस पुथरे ए थाली मारिले चले जीव एमितिका भीड़ धक्का बाजे आगरु पचरु भक्तों को भीड़ धवलेश्वर कठारे लागई गहली धवलेश्वर कठारे लागई गहली ओषा करी जीव बहु पकंदी हुला ধবলেশ্বর পিঠে কার্তিক বুড়ো হ্যাঁ কার্তিক বুড়ো। मानसिक मोर ए सारा जीवन पाई कार्तिक मास रे बड़ ओषा करी निष्ठारे रहिबी मुही हे धवलेश्वर मानसिक मोर ए सारा जीवन বড়ে রহি নীলকণ্ঠ নামে ত্রেতা যুগে
ପାସରେ ବଡ଼ ଓଷା କରି ନିଷ୍ଠାରେ ରହିବି ତ ବଳେ ସ୍ୱର ନିଷ୍ଠାରେ ରହିବି ତ ବଳେ ସ୍ୱର ନିଷ୍ଠାରେ ରହିବି ତ ବଳେ ସ୍ୱର ନିଷ୍ଠାରେ ରହି ଶଙ୍କର ଏ ଭୋଳା ଠାକୁର ଏ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଧୀରେ ଟଙ୍କାରେ ପକାଲ ଘୋଡ଼ ଯିବା ଲୋ